हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मुझे आपको तो काफी टाइम से पता ही होगा, मैं हर दिन वीडियो वगैरह लाता रहता हूँ ऑफ कैंपस हायरिंग की, कि एसेंचर की जो थी एएससी, मतलब कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और क्या बोलते हैं ऐसे मतलब सिस्टम एप्लीकेशन एंड क्या बोलते हैं सर्विसेज, ऐसे करके जो प्रोफाइल होती है उनके जो हायरिंग निकली थी ना, जिसने भी फिल किया होगा तो उसे मतलब शॉर्टलिस्ट का मेल आ गया होगा कि आगे प्रोसेस जो भी होगा आपके वो मेल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात, इसकी ना प्री प्लेसमेंट टॉक भी आ चुकी है 2 मई को, जो कंडक्ट हुई, मतलब आज 29 अप्रैल और 2 तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। और आपकी देख ही सकते हो मैं हर दिन कितनी अच्छी अच्छी हायरिंग लेके आता हूँ और हर एक के मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ ताकि आप इजीली जाके वो वेबसाइट एक्सेस कर सको। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई भी करो, ठीक है। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के क्या बोलते हैं लिंक वगैरह मेंशन है। और एक और बात रही, अभी हायरिंग चल रही जो एसेंचर की, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ना, तो उसकी मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उस हायरिंग से रिलेटेड, तो मैं दिखाता हूँ। मेरे पास मैं खुद इस प्रोसेस में अपीयर हुआ हूँ, तो मुझे आपको बताने में कोई भी झिझक नहीं होगी। और कैसे अप्लाई करते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि इसकी प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है, देन आपका हो गया क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट जो होता है इसका, जैसे देख सकते हो इसके मॉक टेस्ट में कैसे आप पियर होते हैं, देख सकते हो कितनी अच्छी हमें इस रिस्पांस मिला है। इस पे लगभग 11,000 रिस्पांस मिला है, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपको आ चुका है ऐसा। और जो इसकी प्री प्लेसमेंट टॉप होती है ना, सारी सेम ही होती है, ऐसा कुछ चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसमें भी सेम है, अभी भी सेम है, ठीक है। और कुछ बताएं, और भी मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस चल रही है आपकी, देन मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो बाकी ये वीडियो देख लेना तो आपको एक समझ आ जाएगा कि आखिर ये जो प्रोफाइल है वो है किस लिए, ठीक है। तो वो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, उससे भी आपको कुछ समझ आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी रिस्पांस मिला हमें लोगों से, तो मतलब कि वीडियो काफी हेल्पफुल है आपके लिए भी, एक मॉक टेस्ट वाली भी और ये प्री प्लेसमेंट टॉप वाली भी, ठीक है। तो जाके जरूर देखना, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना और लोगों के साथ शेयर भी करना जो इसमें अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो बाकी मैं दिखाता हूँ जो स्क्रीनशॉट आया रिसेंट वाला, तो इससे पहले आपने देखा ही मैंने आपको मॉक में कैसे अपीयर होते हैं और जो इनकी प्री प्लेसमेंट टॉक में होता क्या है वो भी दिखाया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमें आया हुआ है, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड अप्लाइंग, ये सेम लाइनें हमेशा लिखी होती हैं। इन नेक्स्ट स्टेप वी विल स्टार्ट स्केड्यूलिंग योर असेसमेंट इन द मंथ ऑफ जून, यू विल बी नोटिफाइड बाय द 2 वीक्स पर द असेसमेंट डेट, मतलब कि जून में ये हायरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये हायरिंग कुछ अलग होगी मे बी, या कुछ डिपेंड करता है ना, शायद ये 22 बैच वाले हों, शायद इसीलिए क्योंकि 22 बैच वाले को एग्जाम नहीं हुआ है, सो यही कारण हो सकता है। तो पर्टिकुलरली 22 बैच वाले के लिए होगा, अगर आप 21 वाले से हो तो आई थिंक आपको अभी तक वो आ गया होगा मेल प्री प्लेसमेंट टॉक वाला। अगर प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है अगर आपको मेल नहीं आया तो मेरे चैनल पर वीडियो जाकर देख सकते हो, हर प्री प्लेसमेंट टॉक में वही करते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल रिस्पॉन्ड यूर क्वेरी विद इन 3 वर्किंग डेज। अगर आपको कुछ नहीं आया तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं लिंक वगैरह तो मतलब क्या ही प्रोवाइड करना, बाकी आप नहीं आया फिर भी आप थोड़ा वेट कर लो, आ ही जाएगा। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करना। बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।